ड्राइवरों को खतरे में डालना, पुलिस को धोखा देना, नेताओं से साठगांठ और कानून तोड़ना, क्या यही सब करके उबर इतनी बड़ी कंपनी बनी? आइए बात करते हैं उबर फाइल्स के खुलासों की और समझते हैं कि क्या उबर के हथकंडे टेक वर्ल्ड के दूसरे बड़े खिलाड़ी भी आजमाते हैं। उबर फाइल्स में है 1,24,000 दस्तावेज। इसमें शामिल हैं 2013 से 2017 के बीच उबर में काम करने वालों के ईमेल और मैसेज। उस समय कंपनी के सीईओ और को फाउंडर ट्रेविस कलैनिक आक्रामक अंदाज में उबर को बढ़ाने में लगे थे, चाहे इसका मतलब कहीं पर टैक्सी के नियमों का उल्लंघन करना हो या स्थानीय कानूनों को तोड़ना। उबर में ऊंचे पद पर काम कर चुके एक एम्प्लॉय ने ही ये जानकारी द गार्डियन को लीक की। इससे उबर के ऐसे कई कथित कदमों के बारे में पता चला है जिन पर नैतिक सवाल उठते हैं। सब पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से कुछ आरोपों पर ध्यान देना चाहिए। याद कीजिए, भारत में 2014 की वो घटना जब एक उबर ड्राइवर ने दिल्ली में एक महिला यात्री का बलात्कार किया था, तब उबर ने उसका दोष भारत में होने वाले कमजोर बैकग्राउंड चेक पर मढ़ा था। कंपनी की कोशिश थी कि किसी तरह उसकी इमेज और बाकी देशों में उसका बिजनेस खराब ना हो। उबर में एक किल स्विच चलता था। इसे चलाते ही कंपनी के दफ्तरों का उसके इंटरनल आईटी सिस्टम से कनेक्शन तोड़ा जा सकता था। जब कभी भी उबर के दफ्तर पर पुलिस के छापे पड़ते तो कंपनी किल स्विच ऑन कर सकती थी, जैसा कि 2015 में एम्स्टर्डम में पुलिस के छापों के दौरान हुआ। कंप्यूटर स्क्रीन काली हो जाती थी और सरकारें कोई भी संवेदनशील जानकारी हासिल नहीं कर पाती। 2016 में फ्रांस के लोकल टैक्सी ड्राइवरों ने उबर के खिलाफ विरोध जताया तो कलैनिक ने सुझाया कि उबर ड्राइवरों को एक काउंटर प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की चिंता जताई गई तो कलैनिक का जवाब मिला कि ये तो बनता है। इधर वो हिंसा भड़कने के लिए भी तैयार थे और उधर उनका कारोबार तरक्की की राह पर बढ़ता जा रहा था। कई नए शहरों में उबर की सुविधा पहुंचती रही। आज दुनिया के 70 से भी अधिक देशों में हर दिन उबर की सवारी लेकर लोग 1.7 करोड़ यात्राएं करते हैं। जुलाई 2022 में उबर की वैल्यू 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है कि उबर पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। असल में उसने जिस खास बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल किया उसे प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने वाली बड़ी टेक कंपनी जो दूसरों को कारोबार करने का मौका देती है। जैसे कोई भी अमेज़न पर अपनी दुकान खोलकर सामान बेच सकता है और एयरबीएनबी में अपना कमरा किराए पर दे सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनियों को कोई नया आविष्कार नहीं करना पड़ता। जो बाजार में मौजूद है उसको बेहतर या आसान बनाने के नाम पर एक नई डिजाइन ले आते हैं। इसमें सफल होने के लिए प्लेटफॉर्म का बड़ा बनना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि मकसद होता है कि बाजार में जो चल रहा है उस सिस्टम को और उसके नियमों को भंग कर दिया जाए। देखने वाली बात यह भी है कि इसके लिए कोई बहुत ऊंचे लेवल की तकनीक नहीं लगानी होती। निवेशकों के पैसों का बल मिल जाए तो काम हो जाता है। उबर फाइल्स के दस्तावेजों से साफ पता चला है कि कंपनी ने अपनी छवि चमकाने के लिए बहुत सारे पैसे देकर कहीं मीडिया में लेख छपवाए तो कहीं रिसर्चरों से एकेडमिक स्टडीज करवाई। जहां तक लॉबी करने की बात है तो उबर ने फ्रांस के तत्कालीन आर्थिक मामलों के मंत्री इमानुएल मैक्रों से लेकर उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन तक को इम्प्रेस करने की कोशिश की। और तो और, कई देशों में अभियान छेड़े कि टैक्सी बिजनेस के पुराने नियमों को बदला जाना चाहिए। 2016 में कंपनी ने लॉबी और पीआर के लिए 9 करोड़ डॉलर का बजट रखा था। नए शहरों में अपना बाजार बसाने और बढ़ाने के लिए उबर ने बहुत ज्यादा खर्च किया। जब उबर लोगों को मुफ्त में यात्रा करा रही थी तो जाहिर है कि इसके आगे कोई भी टैक्सी सर्विस नहीं टिक पाती। टोटल डिसरप्शन। लेकिन क्या हम भी यही चाहते हैं? एक टेक कंपनी हो जो बिना कुछ नया बनाए बाजार और उसके नियमों से चलने वाले लोगों को खेल से ही बाहर कर दे, वो भी जनहित में नहीं बल्कि अपना दबदबा कायम करने के लिए। दूसरी तरफ इससे कैसे इनकार करें कि एक यूजर के तौर पर उबर जैसे ऐप को यूज करना, उससे यात्रा करना हमारे लिए कहीं ज्यादा आरामदायक और सस्ता पड़ता है। इन्हीं सब ने तो उबर को इतना लोकप्रिय बनाया। उबर का दावा है कि यूरोप में ऑनलाइन बुक होने वाली कुल टैक्सियों में 65% हिस्सा उनका है, जबकि यूरोप के कई देशों में आज तक उबर चलाने की परमिशन नहीं दी गई है। उबर फाइल्स के बारे में ये भी याद रखें कि सारी बातें कुछ साल पहले की हैं। खुद ट्रेविस कलैकिन ने 2017 में उबर छोड़ दी थी।
ऊबर दावा कर रही है कि वो बदल चुकी है और बेहतर हुई है। आपको क्या लगता है, क्या इन खुलासों के बाद भी आप ऊबर से टैक्सी बुलाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए।